नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन एवं खाचरोद में आग लगने की घटना सामने आई है। नीलगंगा क्षेत्र स्थित कृष्णा पैलेस में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नाका चौराहे पर स्थित कृष्णा पैलेस होटल में करीब रात 9 बजे आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय होटल में कोई भी गेस्ट मौजूद नहीं था। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मी अंकित राजपूत ने बताया कि होटल के ऊपर पीछे की ओर कमरे में शॉर्ट सर्किट आगजनी का कारण बताया जा रहा है। आगजनी से पलंग व गद्दा सहित कमरे की POP भी जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी ओर खाचरोद में पंचवटी पैलेस के पास एक पाइप के गोदाम में आग लग गई। क्षेत्र में भीषण धुआं उठने के बाद आग देने की घटना का पता चला। जैसे ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, गोदाम में कृषि संबंधित प्लास्टिक के पाइप और सामग्री रखे थे। बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे धुएं के गुब्बार उठने के बाद आग का पता चला। फिलहाल गोदाम में लगी अचानक आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। होटल कृष्णा पैलेस में हमको आग की सूचना मिली थी, तुरंत हमने आग की कार्रवाई की। इसमें गद्दा और POP जलिए शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। कितनी दमकल लगी? एक दमकल में काम हो गया हमारा। आपका नाम? अंकित राजपूत। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।